सब्सक्राइब करें कुक विद सोफिया को और बेल आइकन को भी प्रेस करें लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आपको मिंट राइस की रेसिपी देने जा रही हूँ, जिसे हम बनाएंगे बचे हुए चावलों से। अक्सर घर में चावल बच जाते हैं और बचे हुए चावल उतने टेस्टी नहीं लगते, बट अगर आप उन चावलों को इस तरह का ट्विस्ट देंगे तो बच्चे से लेके बड़ों तक सभी को काफ़ी पसंद आएगा और सभी इसे फटाफट से चट कर जाएंगे। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ बनने वाली बहुत ही आसान सी रेसिपी है, तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो मैंने यहाँ पे एक छोटी कटोरी मिंट लीव्स लिए हैं, यानी कि पुदीने के पत्ते हैं ये, आप फ्रेश ही लें इन्हें। 3 से 4 हैं लहसुन की कलियाँ, 2 हरी मिर्च ली है मैंने, और हैं 1.5 कटोरी राइस, ये बचे हुए चावल हैं, लेफ्ट ओवर राइस। आप इस डिश में किसी भी तरह के राइस का यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही गजब का टेस्ट आता है। तो सबसे पहले हम इन 3 चीज़ों को पीस लेंगे बहुत ही थोड़े से पानी के साथ, इसका एक अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लें। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे पीस लिया है और इसे निकाल लिया है इस छोटे से बाउल में। अब इधर मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दी है, कढ़ाई को अच्छे से गर्म हो जाने देते हैं। तो कढ़ाई अच्छे से गर्म हो चुकी है, अब मैं इसमें रिफाइंड ऑयल डालूंगी, जो कि मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून, और तेल के गर्म होते ही मैं इसमें 1 पिंच हींग डाल दूंगी, और 1 सूखी लाल मिर्च को मैंने तोड़ लिया है, उसके बीज मैंने हटा दिए थे। इस तरह से हम उसे डालकर थोड़ा सा भून लेंगे। जैसे ही हल्का सा ये भुन जाता है, हम इसमें राइस डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहती हूँ कि ये ज़्यादा खाना हमें बचाना नहीं चाहिए, इससे वेस्ट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। उतना ही बनाएं खाना जितना आपके घर में सबके लिए सफिशेंट हो। खाना कभी बाई चांस बच जाता हो तो आप इस तरह का ट्विस्ट उसे देकर इतना टेस्टी आप बना सकते हैं कि सभी शौक से खा सकें। और हाँ, आप इन्हें फ्रेश चावलों के साथ भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे अब सॉल्ट ऐड करने जा रही हूँ, 1/2 टीस्पून इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। हम इसे थोड़ा सा भून लेंगे, आप यहाँ पे नॉन स्टिक पैन का या कढ़ाई का यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर हो। मैंने यहाँ पे ये एल्युमिनियम की कढ़ाई ले ली है, जिस वजह से चावल इसमें चिपक रहे हैं। अब इस स्टेज पे मैंने इसमें पुदीने का जो पेस्ट बना के रखा हुआ था ये इसमें ऐड कर दिया है, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और सारा कुछ हमें हाई फ्लेम पे ही करना है ताकि खिले खिले रहें ये चावल, इसीलिए फ्लेम को मीडियम या लो पे ना रखें। तो बस अब हमारे चावल हो गए हैं रेडी, चलिए फटाफट से इसे सर्व कर देते हैं। तो देखा आपने कितनी जल्दी हमारे चावल रेडी हो गए हैं, आप इन्हें फ्रेश चावलों के साथ भी बना सकते हैं और बचे हुए चावलों को एक नया ट्विस्ट भी दे सकते हैं। और अगर रेसिपी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलती हूँ गाइस, अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलूंगी आपसे ऐसी ही नई और टेस्टी रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक यू सो मच। मेरी और भी लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए क्लिक करें यहाँ पे और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल कुक विद सोफिया।